गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? डियर क्लास, आज जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, सबसे पहले आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपकी कल जहां हमने क्लास खत्म की थी, आज वहीं से स्टार्ट होने वाली क्लास है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण, अम्ल क्षार तथा लवण, ये हमने आज तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। अम्ल और क्षार तथा लवण, इसी सबसे पहले आप समझिए एसिड और बेस की हमने क्या प्रॉपर्टीज आपके सामने शो की थी, कितनी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, उन सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। ध्यान सोचिए डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे बताया था कि कोई अगर हमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन आ जाए, किसी भी बीकर में हम सॉल्यूशन भर के दें आपको, आपके आपको, और आपको ये आइडेंटिफाई खुद करना है कि उस बीकर में एसिड है, बेस है या सोल्ट है। तो डियर क्लास, ये आपने खुद फॉलो किया था, बताया था सर यदि उसका टेस्ट श्योर होगा, खट्टा होगा तो वो एसिड होगा, और यदि वो बिटर होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, तो वो बेस होगा। हमने लिटमस पेपर का भी इसमें जिक्र किया था, लिटमस पेपर के बारे में भी आपसे बताया था, हमने कहा था ये एक लाइकेन के पेड़ से बना होता है, यदि ये ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है तो एसिड है, और रेड लिटमस टू ब्लू होता है तो वो बेस है। इतनी बात क्लियर हो गई थी आपके सामने, यहां तक हमने आपको आपको बता भी दिया था इसके बारे में अच्छे से। और उसके बाद हमने इंडिकेटर के बारे में बात करा था, हमने कहा था इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो जो हमें एसिड और बेस की पहचान बताते हैं, हमें बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, हमें लिटमस पेपर भी अपना कलर चेंज करने के बाद हमें बता देता है कि वो एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर यदि अपना कलर चेंज ना करे तो शायद हमें ना पता चले। उसके साथ साथ हमने कहा था मिथाइल ऑरेंज है, वो भी एसिड के जब कॉन्टेक्ट में आता है तो अपना कलर कुछ और करता है, बेस के कॉन्टेक्ट में कुछ और करता है। ऐसे ही हमने पिनोक्लिन बॉल्स के बारे में लिया था, वो बेस के कॉन्टेक्ट में आने पर पिंक हो जाती है, एसिड के कॉन्टेक्ट आने पर कलरलेस रहती है, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद डियर क्लास, मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बताया था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, आपने भी कहा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं सेंस से इस्तेमाल सेंस के बारे में जानकारी लेता है, सेंस यानी कि ऑल्फैक्टरी माने अब स्मेल का आप इफेक्ट लेते हैं। स्मेल का मतलब क्या होता है, स्मेल ये होता है आप खुशबू से पहचान लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसे लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल बढ़ जाती है, बेस के कॉन्टेक्ट में आने पर वो घट जाती है। ये क्या है, ये भी तो हमारा स्मेल, स्मेल से ही तो हम जांच कर पाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। उसके साथ साथ मैंने वेनिला और हमारी ऑनियन का भी एग्जांपल दिया था, हमने कहा था ये सब हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। हमने कहा था नेचुरल, अगर आपके बोर्ड की लास्ट में क्वेश्चन आता है कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दीजिए, प्राकृतिक सूचक कौन है, आपको पता है लिटमस पेपर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। इसके बाद हमने जिक्र एक बात पर और किया था कि एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड और एक होता है हमारा एक मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक अम्ल और मिनरल एसिड का मतलब होता है खनिज अम्ल, यानी कि प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं और खनिज अम्ल क्या होते हैं। प्राकृतिक अम्ल वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब ये मान सकते हैं जो भी एसिड जो नेचुरल एसिड वो होते हैं जो एसिड प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं। हमने कल भी आपसे बताया था कि बी स्टिंग में एक एसिड पाया जाता है, नाम क्या है उसका, एंड स्टिंग बोल दिया था ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लेमन में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना। और हमने और भी एग्जांपल लिए थे, हमने बताया था बी स्टिंग में तो हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, हमने सेब में मलिक एसिड पाया जाता है, बहुत सारे एसिडों के नाम हमने आपके सामने क्लियर किए थे। हमने कहा था खनिज एसिड यानी कि खनिज अम्ल क्या है, मिनरल एसिड है H2SO4, HCl, H3PO4, ठीक है,
H2SO4, HCl, H3PO4, ये हमारे मिनरल एसिड हैं। मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? मिनरल एसिड का मतलब ये होता है वो जो हमने खुद मैन मेड या आर्टिफिशियल जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, आर्टिफिशियल ही है, H2SO4, HCl, H3PO4। लेकिन डियर क्लास, एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल एक चीज और लिखवाई थी, जितने भी हमारे नेचुरल एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। क्लियर है बात? हाँ, वीक एसिड होते हैं ना। और मिनरल एसिड हमारे कौन से होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मींस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमने क्या कहा था? ये बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे मनुष्य किससे निर्मित? हर चीज बहुत खतरनाक है। भगवान ने जो बनाया, ईश्वर ने जो बनाया, नेचर ने जो बनाया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती जो मनुष्य बनाता है। मनुष्य ने एटम बम बनाया, एटम बम बहुत खतरनाक है। मनुष्य ने ये एसिड बनाया, ये भी खतरनाक है, लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज इतनी खतरनाक नहीं होती। इन सब में ये जो एसिड होते हैं इतने खतरनाक नहीं होते। तो इतनी बात आपको, बी स्टिंग यानी कि आप चींटी अगर आपके यहाँ आपके काट ले तो वहाँ ततंगे, जो ततंगे होते हैं उनके भी डंक में जहर, यानी जहर क्या होता है? एसिड से होता है। तो इन सबको भगवान ने इसलिए दिया, वो थोड़े से खतरनाक होते हैं इसलिए दिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। ये वो हमारे अगर उसे काट के हमारे अंदर उसे इंजेक्ट करते हैं अपने एसिड को तो हमारे स्वेलिंग आ जाती है, ताकि वो जो ततैया हैं या चींटियां हैं या हमारी मधुमक्खियां हैं वो अपने जीवन की रक्षा कर सकें। बस इसीलिए इन सब चीज़ों को भगवान ने उन्हें प्रोवाइड कराया है। तो डियर क्लास, कहाँ से क्लास को वन बाई वन हम आगे ले जा रहे हैं। हमने वहाँ यहाँ कल क्लास शायद हमने आपके पास छोड़ी थी, लेकिन आज का टॉपिक जो पढ़ाने के लिए आपसे हमने कहा था क्लास, वो हमारा क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन इससे पहले भी एक छोटी सी एक बात और हम एक बता देते हैं। एक होता है डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, ये टर्म्स है डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और हमारी है एल्कली, एल्कली, ठीक है। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? ठीक है, डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें वाटर, वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। बेटे जो एसिड हमारे होते हैं वो हमेशा वाटर से बनते हैं, जिनमें वाटर ज्यादा हो, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो और एसिड की अमाउंट कम हो, वो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं। अमाउंट के आधार पर, किसके आधार पर? अमाउंट। क्लियर हो रही इतनी बात? यानी कि डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है और एसिड की अमाउंट कम होती है, और कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है और वाटर की कम, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो रही? एल्कली क्या होते हैं? जो बेस बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बेस डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, जो बेस वाटर में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। बात क्लियर हुई? लिखिए सर, ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर हुई बात? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो हमारे, बिल्कुल। ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर या डिसॉल्व या सोल्यूबल भी कह सकते हैं, सोल्यूबल माने घुलना ही होता है, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो जाएगी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी में चलने वाले हैं, इससे पहले ये बात आपके सब क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक वर्ड और है हमारा, ये हम रफ कर लें। एक है हमारा ऑर्गेनिक, ये वर्ड बहुत आता है ऑर्गेनिक। दूसरा वर्ड है हमारा इनऑर्गेनिक।
अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे होते हैं वो नेचुरल एसिड ही ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं, ये होते हैं हमारे कार्बनिक और ये होते हैं अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अच्छा कार्बनिक कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड, इन्हें कंपाउंड ही बोलते हैं एक तरह से, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। किसे मिलते हैं? प्लांट, नेचुरल प्लांट एंड एनिमल से, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। जैसे हमने एसिड बताया था आपको, हमने बताया था नेचुरल एसिड कौन से होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड ही कहते हैं। नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरली होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, जो हम खुद बनाते हैं, है ना, और उसमें कार्बन नहीं होता। अब हम इसे आगे जाके जब हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, वो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन, वहां पर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को बदल देते हैं। डेफिनेशन कैसे बदल देते हैं, बस इसमें यह है कि हम इसे कह देते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हम कार्बन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। जहाँ हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, उससे डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जहाँ हम कार्बन को छोड़ करके अदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबके बारे में बात करते हैं, तो उसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पीएच स्केल के बारे में यदि थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, पीएच स्केल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या था? सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बताया। पीएच स्केल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा स्केल ठीक है। अब पीएच स्केल के ये हमारा 7 होता है, 7 ठीक है, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, 7 ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। एक पीएच स्केल इस तरह की होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 to 14 होती है। अच्छा एक एक बात और होती है, जब हम 7 से अबव जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है मुझे, क्या बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर ठीक है। जब हम 7 से अबव जाते हैं या लोवेस्ट में जाते हैं तो हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर ठीक है, डाउन जाने पर बेसिक करेक्टर, अप जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है ठीक है। ये अब क्या होता है, इस पे कैसे होता है, जब इस पीएच स्केल को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, हम चेक करते हैं कि इसका पीएच स्केल क्या है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो हमारा सब्सटेंस दिया है या हमारा सॉल्यूशन दिया है उसकी पीएच वैल्यू 5 आई है, तो बताओ क्या वो एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए कि जिसकी पीएच वैल्यू 5 है तो वो एसिड है। क्या है?
अब एक बहुत अच्छा सवाल पैदा हुआ होता है कि भाई सेवन से लोवेस्ट जाने पर एसिडिक है, यहां से बता दिया एसिड। अब एक कंपेरिजन क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुना है बीएस क्लास सभी को, बहुत ध्यान से ये वाला तो आप सभी के क्लियर होगा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं यदि किसी की पीएच वैल्यू 5 है तो वो एसिड होगा कि बेस होगा। आपने बता दिया सर 7 से नीचे जाते हैं तो 5 का एसिड ही होगा। मैंने कहा यदि 10 है तो आप तुरंत कहेंगे सर बेस है, ये तो आपके क्लियर होगा। लेकिन अब जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। उसे उसमें क्या कहना चाह रहा हूं, उसमें कहना ये चाह रहा हूं कि एक एसिड है, कोई भी एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू है 7। सॉरी, उसकी पीएच वैल्यू क्या है 5 है। ये ए है, एक ए का ए की पीएच वैल्यू क्या है 5। दूसरे पीएच की, दूसरे वाले एसिड की पीएच वैल्यू है बी की 3, बी कितनी है 3। अब आपको बताना है एसिड ए एंड एसिड बी, फिर मेरे ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा सा किसी बच्चे के समझ में ना आए। एसिड हमने दो लिए, एक ए और एक बी, एक की पीएच वैल्यू है 5, एक की पीएच वैल्यू है 3। यानी कि ए की एसिड जो ए है उसकी पीएच वैल्यू है हमारी 5 और बी की 3 है। तो इन दो में आपको बताना है स्ट्रोंग एसिड कौन सा है। जल्दी इन दोनों में बताइए आप स्ट्रोंग एसिड कौन सा है, स्ट्रोंग एसिड कौन सा है। तुम जल्दी बताइए इसमें स्ट्रोंग एसिड कौन सा होगा। बिल्कुल स्ट्रोंग एसिड होगा 3 वाला, ये बी। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ एक एरो लगाया था, जब 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक तरफ पर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा तो यहाँ होगा, यानी कि पहले तो यहाँ होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें, फिर और सबसे ज्यादा एसिड जो सबसे हाई कोरेसिव नेचर होते हैं, सबसे स्ट्रोंग एसिड होते हैं, वो ये वाले होते हैं जिनकी पेज वैल्यू बनती है। ऐसे ही बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि ए दो बेस है हमारे पास, दो बेस है, एक उसकी बेस की पीएच वैल्यू है एक की हमारी 9, बी की हमारी कितनी है 13। आपको बताना है इसमें दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, 9 वाला या 13 वाला, ये वाला है। ठीक है, ये थोड़ी सी हमें इसके बारे में पीएच वैल्यू, और हमारे स्टोमक में भी एसिड होता है HCl, उसकी पीएच वैल्यू 3 से 4 होती है। हमारे सलाइवा होता है माउथ में, उसकी भी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस बनता है हमारे स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू लगभग 2.5 के आसपास होती है। टमाटो जूस की भी पीएच वैल्यू 4.1 होती है, वो भी एसिड होते हैं। और कॉफी में 5.5 में कुछ की पीएच वैल्यू लिखी हुई है, मैं उनकी बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, उसकी पीएच वैल्यू 0 ही होती है। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है? अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, उन्होंने लिख लेते हैं पीएच वैल्यू किनकी कितनी कितनी है। हाइड्रो पीएच वैल्यू सब्सटेंस पीएच वैल्यू, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू हमारी कितनी है 0। ठीक है, अब फिर टमाटो जूस, टमाटो जूस की कितनी है 4। ठीक है, और मैं कॉफी के लिख देता हूँ, कॉफी है, कॉफी की है 5। ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सलाइवा, सलाइवा थोड़ा बेसिक होता है, उसकी 7.8 होती है। ठीक है, 7.8, और भी कोई, एग, एग की 8 होती है, एग बेसिक होता है भी 8। ठीक है, और मिल्क का 6.5, मिल्क 6.5, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा पूछी जाती है। प्योर वाटर की तो पता ही आपको, प्योर वाटर की 7, ठीक है, 7 पीएच वैल्यू। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट
सॉफ्ट ड्रिंक कितनी है? शायद ठीक है, ये बहुत हो जाएंगे है ना। लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 2.5। ये सब हमारे जो कितना घंटा आपने चल जाए। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में बनता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है? इसकी पीएच वैल्यू 1 है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1 है, ये पता होनी चाहिए हमें सब ये बात। तो डियर क्लास, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत छोटी है, वो इसलिए हमने छोटी बनाई है कि जो कॉन्सेप्ट आपके केमिकल प्रॉपर्टी से पहले रह चुके थे वो कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में डाले हैं। इसमें हमने पूरे अब तक की जितनी क्लास पढ़ाई थी उसका एक छोटा सा निचोड़, एक उसका छोटा सा रिवीजन मान लीजिए, और एक एक नया टॉपिक इसमें हमने पीएच स्केल आपको दिया, पीएच स्केल के बारे में आपसे बताया। ठीक है, पीएच स्केल क्या है इन सब के बारे में डिटेल बताई आपसे। ठीक है, पीएच कुछ हमने वैल्यू लिखवाई थी वो आपने लिखी भी होंगी, आई होप ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी क्योंकि हमने पूरी क्लास का इसमें एक रिवीजन भी किया है, क्विक रिवीजन भी किया है। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड और एल्कली के बारे में बिल्कुल नई जानकारी आपको दी थी। ठीक है, ये आपको सब आज की क्लास का, आज की क्लास में बस इतना ही क्योंकि सबसे शायद अब तक की मेरी सबसे छोटी क्लास आज की ही रही होगी, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ना, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना। लेकिन फिर मैं कल ही नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पढ़ाऊंगा वो कल पढ़ाऊंगा और वो क्लास होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक आप इस क्लास को पढ़ते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको सुविधा हो। ओके, थैंक्स क्लास।